हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 2011 का हम लोग पेपर लगा रहे थे। कल दिन में जो आपकी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने CDP यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन कम्प्लीट किए थे और सभी स्टूडेंट का बहुत अच्छा स्कोर वहाँ पर रहा था। तो आज हम लोग यहाँ पर पर्यावरण का पेपर कंप्लीट करते हैं, पर्यावरण के 30 क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है 2011 का या फिर MPTET का पेपर ले लो, 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, सेम प्रोसीजर होगी, एट द लास्ट ऑफ द सेशन आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने 30 में से कितना स्कोर यहाँ पर किया है और आपको एक्सप्लेनेशन करने का तरीका कैसा क्या लगता है वो आप हमें सारी चीज़ें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 121 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? केंद्रीय जल आयोग देता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग देता है या फिर जल संसाधन विभाग देता है, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्या बाढ़ की चेतावनी कि बाढ़ आने वाली है, कोई खतरा है, इस प्रकार की चेतावनी इन सारे ही डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन सारे ही डिपार्टमेंट के द्वारा बाढ़ की चेतावनी दी जाती है। हमने आंसर कर दिया इसका ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि यहाँ पर एक स्कोर आपने कर लिया होगा। ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पानी के स्रोतों का रखरखाव करना, विद्यालय का निर्माण करना, गरीबी रेखा के नीचे लोगों की सूची बनाना या फिर ये सभी। तो क्या ग्राम पंचायत जो होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं? बिल्कुल, पानी के स्रोतों का रखरखाव वो करती है, विद्यालय का निर्माण बनाना, ज़रूरी डिसीजन लेना इसका कार्य होता है, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सूची बनाना इसका कार्य होता है। तो ये सारे ही कार्य ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है। जल संसाधनों की देखरेख, सड़कों की देखरेख, जल निकासी की देखरेख, स्कूल भवन और अन्य सामान्य जो संपत्तियाँ होते हैं उसका निर्माण करना, उनका रखरखाव करना ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। ठीक है, BPL सूची बनाना ये भी ग्राम पंचायत ज्योति सी का कार्य होता है। गांव के सारे निर्णय ग्राम पंचायत के पास होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा पर्यावरणीय हास के कारण उत्पन्न होता है? आपदा पर्यावरण की बात हो रही है, भूस्खलन होना, बाढ़ और सूखा होना, वनों की आग होना, ऊपर ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये सारे आपदा के अंदर काउंट किए जाते हैं, आपदा के अंदर इनको गिना जाता है। तो भूस्खलन इसके अंदर आ गया, वनों की आग इसके अंदर आ गया, बाढ़ और सूखा इसके अंदर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही चीज़ें आपदा पर्यावरणीय हास के अंदर आते हैं जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, इन सारी चीज़ों को काउंट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य को मिलता है? केरल को मिलता है, उत्तर प्रदेश को मिलता है, राजस्थान को मिलता है या फिर मध्य प्रदेश को मिलता है? तो देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ राजस्थान को मिलता है। ये हरी के बांध से निकलने वाली नहर परियोजना है, 1958 में ये स्टार्ट हुई थी और 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया था। ठीक है, ये इसके बारे में डिटेल हो गई। किस राज्य को इसका लाभ मिलता है, तो राजस्थान को मिलता है, आप याद रख सकते हैं। जल जनित बीमारी का एक उदाहरण क्या हो सकता है, डिफ्थीरिया होना या फिर टॉन्सिल होना, ठीक है, या फिर डायरिया होना या फिर खसरा होना। तो पानी से होने वाली बीमारी का नाम पूछा गया है कि पानी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, उसमें से एक आप यहां पर ढूंढ कर बता दो। तो डिफ्थीरिया, खसरा और टॉन्सिल वाली जो बीमारी होती है वो पानी से नहीं होती है। डायरिया जो होता है, यदि हम लोग दूषित पानी का सेवन करते हैं तो डायरिया पानी से होने वाली बीमारी है। और कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है पानी के माध्यम से, दूषित पानी पीने से उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमारियां कर देते हैं, हमारे अंदर बीमारियां लेकर आ जाते हैं। जैसे कि टाइफाइड ले लो, टाइफाइड बुखार होता है, हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब पानी से होने वाली बीमारियाँ हैं। तो ये जल जनित बीमारी के अंदर हमारा, इसके अंदर से तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायरिया। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करना, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, इसके संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग करना या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिकतम या फिर न्यूनतम प्रयोग। तो पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यही ऑप्शन सही बैठ रहा है। क्योंकि देखो, अधिकतम उपयोग करना तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, और न्यूनतम उपयोग करना अगर ये नहीं होता तो फिर हम लोग इसके बारे में सोच सकते थे कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन न्यूनतम उपयोग करने से अच्छा है कि हम लोग उसकी सुरक्षा और संरक्षण कर लें। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में से विकास किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूक करने से है? इसमें से ऐसा कौन सा गेम या ऐसी कौन सी प्रतियोगिता होती है जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है? ग्रीन ओलंपियाड का होना, वन महोत्सव होना, पर्यावरण प्रदर्शनी होना या फिर पर्यावरण दिवस मनाना। तो ग्रीन ओलंपियाड जो होता है एक प्रकार का कॉम्पिटिशन होता है, यहाँ पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है, ठीक है, पर्यावरण का ज्ञान दिया जाता है यहाँ पर बच्चों को, जिसमें जल, अपशिष्ट पदार्थ, ऊर्जा, वायु, कृषि, शहरी परिदृश्य, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास जो होता है हमारा, डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, यहाँ पर परीक्षा होती है, एक प्रकार का गेमिंग होता है, यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रश्न पत्र होता है पूरा एक तरीके से, ग्रीन ओलंपियाड उसे बोला जाता है। तो पूरे प्रकृति की जानकारी, पूरे पर्यावरण की जानकारी के लिए एक कॉम्पिटिशन होता है, एक प्रतियोगिता होती है जिसे बोला जाता है ग्रीन ओलंपियाड। बाकी तो सब जागरूकता से संबंधित है, अवेयरनेस से संबंधित है, प्रदर्शनी लगा दी तो लोगों में अवेयरनेस लानी है, बच्चों के अंदर जागरूकता फैलानी है। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाएगा तो सभी लोगों को अवेयर किया जाएगा, लेकिन ये एक प्रकार की क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या, एक प्रकार की प्रतियोगिता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस साल मनाया जाता है, किस दिवस में मनाया जाता है, 10 जून को, 5 जून को, 20 जून को या फिर 2 जून को। तो पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, आपको याद भी होगा 1972 में जो सम्मेलन हुआ था उसी में डिसाइड किया गया था कि अब से हम लोग हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन में इस बात की घोषणा भी की गई थी। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यालयों के विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं, मतलब स्कूल ऐसा कौन सी रणनीति को अपना सकता है जिससे बच्चों के अंदर जागरूकता आ जाए, जिससे स्टूडेंट के अंदर जागरूकता आ जाए, खेलकूद के द्वारा, पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा, परीक्षा के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से किस माध्यम से बच्चों के अंदर जागरूकता फैलाई जा सकती है? तो पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का यहाँ पर प्रयोग हो सकता है, करिकुलम और नॉन करिकुलर जो को करिकुलर जो एक्टिविटी होती है, पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलर और पाठ्य सहगामी यानी कि को करिकुलर जो एक्टिविटी होती है उसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर जागरूकता फैला सकते हैं, बच्चों का पाठ्यक्रम पर्यावरण से संबंधित हो और जो भी एक्टिविटी बच्चों को करवाई जा रही है, जैसे कि हमने पर्यावरण दिवस मनाया, वन महोत्सव मनाया, तो इसके माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता हम लोग फैला सकते हैं, हम लोग प्रदर्शनी लगवा सकते हैं, बच्चों को ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने का मौका दे सकते हैं। तो ये सारे क्या होगा, इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूक आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार आते हैं उनका उद्देश्य क्या है, बस इतना सा बताना था। बच्चों का संपूर्ण विकास करना, पुरुषों का संपूर्ण विकास करना, महिला सशक्तिकरण करना या फिर जो है नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। तो सभी के संपूर्ण विकास की बात होती है, मतलब सभी नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना, उसमें ना महिला होगी, ना पुरुष होंगे, ना बच्चे होंगे, सभी का विकास करना आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। याद भी आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है सारे हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताते, संविधान के भाग 3 है या फिर 3 है उसके अंदर सारे धर्म, जाति, स्थान, ये सभी को अपने अपने अधिकार मिलते हैं, सभी को अपने अपने राइट्स मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान है, ठीक है, व्यावसायिक अध्ययन है, तो कौन सा भाग नहीं आता है? अपने सामाजिक विज्ञान की बुक में भी देखा होगा उसके 3 अलग अलग भाग होते हैं, एक इतिहास आता है, एक भूगोल आता है, एक राजनीतिक विज्ञान आता है, उसके अंदर व्यावसायिक अध्ययन नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ तक 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग बढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, स्वास्थ्य, योग्य, संगीत या फिर ये सभी। तो आपको याद आ रहा होगा मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है, एक हमारा रचनात्मक मूल्यांकन होता है और एक हमारा योगात्मक मूल्यांकन होता है। योगात्मक जो बिल्कुल लास्ट में लिया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जो बीच बीच में लिया जाता है इसी एक्टिविटी के माध्यम से, स्वास्थ्य, योग्य, संगीत के माध्यम से। यहाँ पर जो है अंकों के द्वारा नहीं आंका जाता है, यहाँ पर बच्चों का सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट होता है, एक बेसिक सा परीक्षण लिया जाता है कि हाँ बच्चे सभी में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब स्वास्थ्य, योग्य, संगीत, इन सभी का हम लोग नंबर के माध्यम से बच्चों को नहीं आंक सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? जल की बर्बादी करना, जल का संरक्षण करना, वनों का विनाश करना या फिर भूमि का अपरदन करना। तो पर्यावरण की समस्या क्या नहीं है? जल का संरक्षण करना, पानी को बचा कर रख रहे हो, बाहर बारिश हो रही है आप उसके पानी को स्टोर करके रख रहे हो ताकि लंबे समय तक आप उसका प्रयोग कर पाओ, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें पानी को बचाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल का संरक्षण करना पर्यावरण की समस्या नहीं होती है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाना चाहिए, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए, और ऑप्शन डी है, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। तो पर्यावरण शिक्षा का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर नहीं आएगा? तो पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर आंसर होगा। कौन सा सिद्धांत नहीं आता है? तो पहला सिद्धांत आता है कि सबको शामिल करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही दे रहे हो, सभी चीज़ों को, सभी पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, सभी लोगों को ही शिक्षा मिलनी चाहिए, संपूर्ण विकास और समग्रता के लिए होना चाहिए, संपूर्ण विकास हो बच्चों का, और पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ साथ सद्भावनापूर्ण हो, तो ये भी सही है। कौन सा गलत है कि जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, हमेशा बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा मिलनी चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, फूल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फिर फल उत्पादन से? नीली क्रांति की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और नीली क्रांति के बारे में ही पूछ लिया गया कि ये किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति हमारी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, जहाँ पर इस उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, और लोगों को आपको पता होगा सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही ताकि मत्स्य उत्पादन में, आपने देखा होगा जो मछुआरे होते हैं वो जाते हैं समुद्र में, नदी में, मछुए जो मछलियाँ होती हैं उनको पकड़ने के लिए, बहुत बार उनकी डेथ भी हो जाती है, उनकी बॉडी तक नहीं मिल पाती, तो उनके लिए अलग से कार्ड वगैरह बनाए गए हैं, अलग से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। बहुत सारी योजनाएं आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति में जाकर कि इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम चलती है। हालांकि मत्स्य उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिले इससे संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से कौन सी संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से हमारा ऑपरेशनल फ्लड संबंधित है, वाइट रिवॉल्यूशन जिसे बोला जाता है, सफ़ेद क्रांति, या फिर ऑपरेशनल फ्लड, दूध की बाढ़ आ जाना, ये हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, फूल उत्पादन से कौन सा संबंधित है? तो आपको ध्यान होगा फूल उत्पादन में हमारा जो आ जाता है फ्लोरीकल्चर जो हो जाता है वो हमारा फूल उत्पादन होता है, फ्लोरीकल्चर पूरा, इसमें फूल उत्पादन की पूरा स्टडी की जाती है, फूलों के बारे में स्टडी की जाती है। मत्स्य उत्पादन हमने देख ही लिया। फल उत्पादन से कौन सा होता है? तो आपको ध्यान होगा फ्रूट, हनी, हॉर्टिकल्चर जो होता है ये पूरा गोल्डन रिवॉल्यूशन के अंदर आता है, सुनहरी क्रांति के अंदर आता है, जिसके अंदर फलों का पूरा अध्ययन होता है, फ्रूट्स का होता है, हनी शहद का होता है, हॉर्टिकल्चर जितनी भी होती है, बागवानी जितनी भी होती है वो सारी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये फल उत्पादन से संबंधित हो गया। और एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। एग जो होता है ये किससे संबंधित होता है? सिल्वर क्रांति जो होती है, रजत क्रांति जो होती है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑयल और सीड जो होते हैं, बीज वगैरह जो होते हैं, इनसे कौन सी क्रांति संबंधित है? येलो रिवॉल्यूशन जो है, पीली क्रांति जो इससे संबंधित है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमेशा पूछा जाता है, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1966 में लाया गया था। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति जो है, खेती से संबंधित है। एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन बन जाए बहुत आसान हो जाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति हमारी एग्रीकल्चर से संबंधित है, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन हमारा जो है सफ़ेद क्रांति जो हो गई या फिर ऑपरेशन फ्लड जो हो गया इससे संबंधित है। मिल्क डेयरी उत्पाद से संबंधित है। किसके द्वारा लाया गया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा ये लाया गया था, ये भी चीज़ आप इसके अंदर याद रख सकते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन हमने देख लिया, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा नाम नहीं पूछा जाता है कि किसके द्वारा लाया गया, और याद भी रखना चाहें तो दो लोग हैं, एक डॉक्टर अरुण करके हैं और एक डॉक्टर हरियाल चौधरी समथिंग करके, उन दोनों के द्वारा इस क्रांति को लाया गया था। फिश और एक्वा से संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन हमने देख लिया, जो सुनहरी क्रांति जो है वो फ्रूट, हनी, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। सिल्वर रिवॉल्यूशन हमने रजत क्रांति देख लिया, रजत क्रांति हमारी जो है अंडों से संबंधित है। ठीक है, और कौन सी क्रांति? बहुत सारी होती है, जैसे कि एक हमारी होती है रेड रिवॉल्यूशन करके, लाल क्रांति करके,
जो कि लाल क्रांति जो होती है मीट मांस और टमाटर से संबंधित है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और भी बहुत सारी होती है वैसे तो, ग्रे रिवॉल्यूशन करके होता है, भूरी क्रांति जो होती है, भूरी क्रांति हमारी फर्टिलाइज़र से संबंधित होती है, ठीक है। गोल क्रांति करके भी एक आती है, गोल क्रांति, राउंड राउंड रिवॉल्यूशन, ये हमारा जो पोटैटो होता है, पोटैटो उत्पादन से संबंधित है, आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और कभी होगा तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी जितनी मुझे याद आ रही थी उतनी मैंने नाम आपको यहाँ पर याद दिला दिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन में से कौन मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, मानव के पर्यावरण का, ठीक है, भूमि, धर्म, समुदाय या फिर परिवार। तो आप इसमें ये देख सकते हैं तीन चीज़ें कोई भी सेम है, जो अलग लगेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, धर्म, समुदाय, परिवार, ये सारे मानव के द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा निर्मित किए गए। लेकिन भूमि जो है वो प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आ जाएगी, जिसे प्राकृतिक में वृक्ष आ जाएंगे, जंगल आ जाएंगे, वन आ जाएगा, वर्षा हो जाएगी, तो ये सारे हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है। और ये मानव के द्वारा निर्मित है, धर्म भी मानव के द्वारा, परिवार, समुदाय, इन सबका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। तो ये भूमि जो है मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछ रहा है, द्रवित मैग्ना से बने शेल चट्टानों को क्या कहा जाता है। द्रवित मैग्ना से निर्माण होता है, चट्टानों की बात हो रही है, अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, बहुत सारे प्रकार की चट्टानें होती है। तो यहाँ पर पूछा गया, यदि द्रवित मैग्ना से उसका निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आग्नेय चट्टानें। ये किससे बनती है, आग्नेय चट्टानें जो होती है, ज्वालामुखी मैग्मा जो होता है, इसका आंसर भी अगेन ऑप्शन नंबर वन ही होगा, ठीक है। ज्वालामुखी मैग्ना जो होता है उनके जमने से बनती है, और तीन प्रमुख प्रकार होते हैं इसके, ठीक है, कभी होगा तो हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे पूरे चट्टानों के प्रकार को, ठीक है। आप इतना सा ध्यान रखते हैं, दमित मैग्ना से बने शेल चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहा जाता है, ये जो ज्वालामुखी जो होता है ज्वालामुखी के जमने से बनती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ओजोन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस। सूर्य की हानिकारक किरणों से, सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें आती है, उनसे बचाने का कार्य तो हमें ओजोन लेयर करती है, O3 लेयर करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत, ठीक है। तो ये परत जो है हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जल वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है, उसे क्या कहा जाता है। जल वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कितना सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, वृष्टि हो रही है, वर्षा बोलेंगे, बादल तो बने हुए रहते हैं, हिम जमा हुआ रहता है, जल वाष्प नीचे से ऊपर की तरफ उड़ती है, तो पृथ्वी पर आना क्या कहलाएगा, वर्षा कहलाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ लिया इसने, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर मिलती है, गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म और शुष्क रेगिस्तान में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमसे बोला है कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाएगी, कहाँ दिखेगी आपको, तो जहाँ पर गर्म और किस प्रकार का रेगिस्तान होगा, या तो आर्द्र होगा या फिर शुष्क होगा, आप सोच सकते हैं शुष्क प्रकार का होगा, उस रेगिस्तान में हमें कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान ले लो, एक थोड़ा हरियाणा का इलाका ले लो, ठीक है, इस प्रकार में आपको गुजरात ले लो, ऐसे कांटेदार झाड़ियाँ आपको यहाँ पर बहुत देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गर्म और शुष्क रेगिस्तान में हमें इस प्रकार की देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुनहरा रेशा का मतलब क्या होता है, चाय, कपास, पटसन, जूट या फिर ऑप्शन डी रबड़। इसका आंसर क्या होगा, सुनहरा रेशे का अभिप्राय क्या होता है, आंसर हो जाएगा इसका पटसन, जूट को ही सुनहरा रेशा यहाँ पर बोला जाता है, एक प्रकार का आप इसे फाइबर बोलते हो, इंग्लिश में इसे फाइबर बोलते हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो, गोल्डन फाइबर के रूप में इसे जाना जाता है, प्राकृतिक वनस्पतिक फाइबर होता है ये एक प्रकार का, ठीक है, काफ़ी चमकदार होता है, पीला सा होता है, भूरा भूरा सा होता है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, गोल्डन सोने जैसा चमकता है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है, याद करो वो सीरीज, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो अब ये पृथ्वी की जुड़वा ग्रह जो पृथ्वी के आसपास है, पृथ्वी जैसी ही दिखने की कोशिश करती है, कौन है ये, शुक्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन के नाम से किसे जाना जाता है, शुक्र को जाना जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आकार में बिल्कुल सेम है, द्रव्यमान लगभग उसी के बराबर ही है, एक समान संरचना है और पड़ोसी ग्रह भी है, इसीलिए जुड़वा बहन बोल दिया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, विश्व की सबसे ऊंची छत जिसे बोला जाता है, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की छत जिसे बोला जाता है, दुनिया की छत जिसे बोला जाता है, तिब्बत का पठार, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तिब्बत के पठार को दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है, आप ध्यान रख सकते हैं। मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है जो कि मानव के द्वारा निर्मित हो सकती है, भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा या फिर भूस्खलन आना। तो रासायनिक आपदा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किसी भी रसायन, जैसे कि एक हमारा जाल जो फटा था जापान में, जो हिरोशिमा नागासाकी में जो अटैक हुआ था, वो एक रासायनिक आपदा का उदाहरण आप ले सकते हैं। परमाणु बम गिराना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सौर ऊर्जा एक प्रकार का कौन सा संसाधन है, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, परमाणु ऊर्जा स्रोत है या फिर ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का एक संसाधन हो सकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीनीकरणीय संसाधन में आप गिन सकते हो, ठीक है। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर वन हो गया, ये एक प्रकार का नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंदर इसको गिना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर झारखंड में। तो इन चार राज्यों में से काली मिट्टी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, गुजरात में देखने को मिलेगी। अगर और पूछ लिया जाए कि और कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, और राज्य के ऑप्शन आ जाए, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में जो दक्कन के पठार है, मालवा के पठार है, यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, कपास उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये काली मिट्टी इन इन राज्यों में पाई जाती है। अभी क्वेश्चन में हमें सिर्फ गुजरात दिख रहा था तो हमने गुजरात लगा दिया, ऐसे ही एमपी में भी पाई जाती है। गुजरात, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सब जगह ये वाली मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, इसमें से ऐसी कोई चीज़ होगी जो दूरभाष, फ़ोन, टेलीफोन बनाने में, कंप्यूटर, जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं वो चीज़ें बनाने में काम आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती है, जो बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं, इन सब के अंदर प्रयोग होगी, से बिना इसके काम चलेगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है, स्टील भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सब में कॉमन चीज़ें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक का होना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पतन या फिर जो बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतस्थली तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्णतः सुरक्षित है। क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए, चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप या फिर विशाखापट्टनम। तो देखो यहाँ पर आंसर होगा विशाखापट्टनम, ये सबसे बड़ा लैंडलॉक और सबसे अच्छी तरीके से संरक्षित है। यह बंदरगाह मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लोहे अयस्क का निर्यात करने के लिए, ठीक है, इसको प्रयोग किया जाता है और सबसे सुरक्षित है, सबसे अंतस्थलीय और बहुत अधिकतम गहराई का ये बंदरगाह, अधिकतम गहराई का ये पोर्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम पोर्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मुख्य रूप से कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। यहाँ पर सिर्फ बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होना। कितनी मात्रा में पाई जाती है, कभी ये पूछ लिया जाए तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर भी कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई कितनी गैसेस होती है ये भी हम लोग देख लेते हैं, और कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है ये सारी चीज़ें भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड की यदि हम लोग बात करें, आप नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड से कंसीडर ना करें, कंफ्यूज ना करें। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है लगभग 6% के लगभग पाया जाता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। मैथेन जो होती है 10% के लगभग पाई जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस होती है। ठीक है, अदर जो गैसेस होती है वो 3% में पाई जाती है, और ये जो CO2 होती है ये 82% होती है। इसी के कारण पर्यावरण, हमारा वातावरण जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, औद्योगिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा, कृषि से प्राप्त कचरा या फिर जो भोजन से निकलने वाला जो कचरा है वो जल प्रदूषण का कारण यहाँ पर नहीं बनेगा। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, कौन सा कारण यहाँ पर नहीं हो सकता है। देखो, कृषि अपशिष्ट से जो निकलने वाला कचरा है वो हमारा जल प्रदूषण का जो है एक स्रोत नहीं हो सकता है, क्योंकि कृषि जो अपशिष्ट होता है वो एक जैविक कचरा होता है और ये कभी भी पानी को प्रदूषित यहाँ पर नहीं करेगा। बाकी औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा हो सकता है, रेडियो एक्टिव कचरा यहाँ पर हो सकता है, खाने से प्राप्त कचरा भी इसके अंदर सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन कौन सा नहीं होगा, कृषि से प्राप्त अपशिष्ट जो होता है वो जैविक होता है, ये पानी को प्रदूषित नहीं करता, यदि जब तक कि उसके अंदर जो हानिकारक तत्व नहीं मिलाए गए, जैसे कि बाहर से जो केमिकल्स वगैरह वो नहीं मिलाए गए हो। बाकी ये हो सकता है, कृषि से प्राप्त कचरा भी हो सकता है, लेकिन यदि इसके अंदर हानिकारक जो जैविक रासायनिक पदार्थ जो होते हैं यदि वो नहीं मिलाए गए, तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो ये आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
कृषि से प्राप्त कचरा इसमें नहीं गिना जाएगा, बाकी जो माइनिंग वेस्ट होता है जो इंडस्ट्री खदानों से निकलता है वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा, रेडियो एक्टिव कचरा भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा, औद्योगिक कचरा भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा। आप इसको खानों समझे, खानों मतलब कि ये जो खदानें होती हैं उनसे निकलने वाला वेस्ट, ठीक है। इसलिए हमने आंसर क्या कर दिया, कृषि से प्राप्त कचरा, क्योंकि तीनों यहाँ पर तो हानिकारक है ही सही, एक जो सबसे कम हानिकारक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन नहीं दी हुई है और ऑप्शन एक ही है, तो हमें आंसर क्या लगाना होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आपका काम है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है, उसी के बेसिस पर आपके नेक्स्ट पेपर रेडी होंगे, ठीक है। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहें।